जब किसी को डायबिटीज होती है तो ज्यादातर केसेस में उनको कुछ समय के बाद हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कुछ ना कुछ तो कॉमन कनेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कॉमन कनेक्शन क्या है और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हम खुद क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, Flipkart समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। और डायबेक्सी ये बिलीव करता है कि नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाया जा सकता है। डायबेक्सी आपको मेडिकल डॉक्टर की कंसल्टेशन और डाइटिशियन की कंसल्टेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए डायबेक्सी के साथ जो भी जुड़ेगा उसे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ब्लड को समझते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जब भी कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जाना है तो वो ब्लड उसमें हेल्प करता है। आप सपोज कीजिए कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज ने बनाया और ब्लड में डाल दिया, तो पैनक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन हार्मोन बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, क्योंकि ब्लड उसको वहां तक लेके जाता है। ब्लड कुछ ट्यूब्स के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करता है। जो ये नली है या ये ट्यूब्स हैं, इनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और कुछ ब्लड वेसल्स मोटी होती है, कुछ पतली होती है और कुछ इतनी बारीक होती है कि आपको आँखों से दिखाई भी नहीं देती, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। लेकिन ब्लड बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचता है। ब्लड मेनली दो कंपोनेंट का बना होता है। एक तो समझ लीजिए कि 50% तो आधा इसमें पानी है और आधा इसमें सॉलिड मटेरियल है। तो आधा सॉलिड मटेरियल मतलब वो क्या हुआ कि इसमें RBC है, रेड ब्लड सेल्स, जो बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाती है। इसमें WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमें बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। इसमें प्लेटलेट्स है, जो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है कि जब हमारी स्किन कहीं से कट जाती है और वहीं से ब्लड लॉस होने लगता है तो प्लेटलेट वहाँ पे क्लॉटिंग करके ब्लड लॉस को रोक देता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी फ्लो करता है, इसमें फैट भी फ्लो करता है, शुगर भी होता है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें फ्लो करती है, नमक भी फ्लो करता है, हॉर्मोन्स, दवाइयाँ, जो भी बॉडी में जाता है, किसी को भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है तो ब्लड के थ्रू होता है। और जब ये ब्लड उन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो उन ट्यूब्स की दीवारों पर ये कुछ प्रेशर क्रिएट करता है फ्लो करते हुए, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में भी जान लें। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो बॉडी में जाके शुगर्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसको एक कैरियर की ज़रूरत होती है और वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को उठाता है और सेल के अंदर डाल देता है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी में शुगर प्रोवाइड करता है, तो कोई भी फूड कितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा वो उसका फूड का ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो जिस फूड का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा वो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ाएगा, और जिस फूड का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा वो ब्लड शुगर लेवल कम बढ़ाएगा। तो जब हम कंटिन्यूसली रेगुलरली हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा शुगर जाता है। उस ज़्यादा शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और जब शरीर में ज़्यादा इंसुलिन होता है तो वो ब्लड में से शुगर को उठा के सेल के अंदर भर देता है, और थोड़ी देर में जब सेल भर जाती है तो वो उस इंसुलिन के लिए दरवाज़ा बंद कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई। और जब सेल इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है तब वो शुगर को अंदर नहीं डाल पाता सेल के, और ये शुगर ब्लड में फ्लो करती रहती है और हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई।
जिसको मेनली हम टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ मतलब टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे कॉमनली समझा जाता है। तो ये डायबिटीज़ जब हो गई तो उस कंडीशन में देखिए ब्लड में शुगर भी ज़्यादा है, इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा है और इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। और इसका प्राइमरी रीज़न क्या था कि हमारी डाइट में ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिंदुस्तानी हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम वेजिटेरियन नहीं है, हम ग्रेनिटेरियन हैं। हम सुबह से शाम तक हर मील में ग्रेन्स खाते हैं। आप देखिए सुबह चाय होगी तो बिस्किट होगा, वो भी मैदे का बना। दोपहर में रोटी चावल सब्जी ये होगा, वो भी गेहूं से बनी हुई। रात को भी रोटी सब्जी वो भी गेहूं से बनी हुई। तो जो ग्रेन्स का जो कंपोनेंट है हमारी डाइट में वो बहुत ज़्यादा है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। इसीलिए डायबेक्सी लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड प्रोडक्ट बनाता है। डायबेक्सी का आटा हो, डायबेक्सी की कुकीज़ हो, ब्रेकफास्ट बार हो, सब लो ग्लाइसेमिक लोड की होती हैं। और जब ग्लाइसेमिक लोड लो होता है तो डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट में, डायबिटीज़ मैनेजमेंट की डाइट में वो आपकी मदद कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक हमने डायबिटीज़ के बारे में जाना। और डायबिटीज़ के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डायबेक्सी का ये वाला वीडियो देखिए, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम ये जानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के मेनली चार कारण हो सकते हैं। एक तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाए, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई। तो अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो उन ट्यूब्स में, ब्लड वेसल में फ्लो करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में अराउंड 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। अगर सपोज़ कीजिए वो 5 लीटर की बजाय 6 लीटर हो गया, 7 लीटर्स हो गया, 8 लीटर्स हो गया, तो जितना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई बॉडी का जो सरफेस एरिया है, जो ट्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो तो लिमिटेड है। अगर उसमें हम ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा हार्ट है उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड से पंप करना पड़ेगा। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ा। और तीसरा, जब हार्ट रेट बढ़ गया, ज़्यादा स्पीड से वो पंप कर रहा है ब्लड को, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और चौथा रीज़न ब्लड प्रेशर बढ़ने का ये हो सकता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ट्यूब्स हैं, ये रबर की तरह फ्लेक्सिबल होती हैं। तो अगर ज़्यादा प्रेशर से इसमें ब्लड जाता भी है तो उसको एकोमोडेट कर लेती हैं। अगर किसी कारण से ये ट्यूब्स हार्ड हो जाएं, ये रबर की ट्यूब की बजाय ये लोहे की ट्यूब की तरह हार्ड हो जाएं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के हो सकते हैं। अब हम वो कॉमन कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का क्या कॉमन कनेक्शन है। तो इसके लिए हम एक ऑस्मोसिस का फिनोमिना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, और जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो जो हमारा जो ब्लड है उसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। तो जैसे मैंने कहा कि ब्लड में 50% के लगभग पानी हो गया और 50% सॉलिड मटेरियल हो गया। तो ये जो सॉलिड और जो लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन है ये बॉडी सेल्फ मैनेजमेंट करती है, क्योंकि जो ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई तो डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ कीजिए आपने 0.9 ग्राम नमक 100 ml पानी में मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बढ़ना, जिसको हम कहेंगे कि 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इसमें अगर आप ब्लड में से आरबीसी निकाल के इस सॉल्यूशन में डाल देंगे, जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो इसमें आरबीसी ठीक रहेंगी, जैसी हैं वैसी रहेंगी, इसका जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल चलता रहेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। हाइपोटोनिक मतलब कि उसमें नमक कम रखते हैं, नमक को हम आधा कर देते हैं।
तो अब की बार हम 0.45 ग्राम नमक लेते हैं और उसको 100 ml पानी में मिलाते हैं, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, इसमें नमक कम है। अगर हम इसमें आरबीसी को डालेंगे तो थोड़ी देर में आरबीसी पानी पी के फूल जाएगी गुब्बारे की तरह और बस्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम नमक को डबल कर देते हैं, 0.9 की बजाय हम 1.8 ग्राम नमक 100 ml पानी में मिलाते हैं, इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें अगर हम आरबीसी को डालेंगे तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, जैसे अंगूर सूखने के बाद में किशमिश में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही आरबीसी श्रिंक होकर छोटी हो जाएगी। और आरबीसी का रोल आप जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई वही करता है, और आरबीसी की अगर ऐसी कंडीशन होगी, आरबीसी की डेथ हो जाएगी, तो हमारी लाइफ को भी खतरा हो सकता है इमीडिएटली, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो आरबीसी की जो शेप और साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि सपोज कीजिए कि बॉडी में हमारी नमक ज्यादा आ गया किसी कारण से और वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने बनाया है कि 100 ml में 1.8 ग्राम नमक डाला है, अगर हम इसको आइसोटोनिक बनाना चाहते हैं सॉल्यूशन की 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो उसको कैसे करेंगे, हम इसमें 100 ml पानी और मिला देंगे। तो अब ये आइसोटोनिक तो हो गया, दोनों बराबर हो गए हैं, लेकिन अब की बार ये 200 ml हो गया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इसी तरीके से अगर बॉडी में किसी कारण से नमक बढ़ जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी जैसे ही नमक पकड़ती है वैसे ही बॉडी को पानी भी पकड़ना पड़ता है उसकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए। और जो ये नमक क्यों पकड़ा गया, ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि बॉडी ने नमक क्यों पकड़ लिया, वो पकड़ा है क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है। जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है तो वो नमक को पकड़ लेता है, और जब बॉडी में नमक पकड़ा जाता है तो बॉडी को पानी भी पकड़ना पड़ता है, वाटर रिटेंशन करना पड़ता है, ताकि वो ब्लड को आइसोटोनिक मेंटेन कर सके। और इस प्रोसेस में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट को ज़्यादा तेजी से पंप करना पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो नमक इसमें मिल गया ब्लड में, इसका मतलब उसका गाढ़ापन भी बढ़ गया, थोड़ा सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो मेन प्राइमरी रीजन ये नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ने का कि आपने डाइट में ज्यादा नमक खाया, प्राइमरी रीजन ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, और ज्यादा इंसुलिन इसलिए है क्योंकि आपने अपनी डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। और जब आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है तो आपके ब्लड में शुगर ज्यादा आता है। अब शुगर भी स्टिकी है, चिपचिपा है, वो भी थिकनेस बढ़ा रहा है ब्लड की, तो जैसे ही ब्लड की थिकनेस बढ़ेगी, ज्यादा शुगर आएगी, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण हो गया। अब ब्लड में शुगर ज्यादा हो गई तो बॉडी को पानी पकड़ना पड़ेगा फिर इसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेंटेन करे। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, अब जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया हार्ट को ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आपने देखा कि अगर हमारे ब्लड में शुगर और नमक दोनों बढ़ेगा तो बॉडी को वाटर रिटेंशन करनी पड़ेगी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी रीजन आप क्या देख रहे थे, कि हमारी डाइट में ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड होना, ब्लड में ज्यादा इंसुलिन का होना। इस पे एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर क्रूज थे, उनका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप देखिएगा। तो जो डॉक्टर क्रूज थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक कुत्ता लिया, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, उसकी एक टांग में ये रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे, ब्लड वेसल में रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे, और दूसरी टांग में रोज पानी का इंजेक्शन लगाते थे, ताकि वो मेंटेन कर सके। दोनों टांगों में इंजेक्शन लग रहा है, एक में पानी है और एक में इंसुलिन है। तो 6-7 महीने तक उन्होंने रेगुलरली ऐसा किया,
और 6-7 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि जिस टांग में वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे वो वाली ब्लड वेसल उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि जहाँ इंसुलिन है वहाँ ब्लॉकेज ज़्यादा है? तो इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है। इंसुलिन जहाँ भी जाता है वो सेल डिवीज़न बढ़ा देता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ट्यूब हैं, ये मसल्स की बनी हुई होती हैं, और जब ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होता है तो वो सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। तो जो ब्लड वेसल की जो दीवार है इसमें जब मसल्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगेंगी, तो ये जो मसल की जो दीवार है ये मोटी होने लगेगी, हार्ड होने लगेगी, और जब ये दीवारें हार्ड होने लगेंगी तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, और ये भी एक कारण हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो प्राइमरी रीज़न हम देख रहे हैं चारों पॉइंट में, वो है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है। और ये जो ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। तो अब हमें क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, और बड़ा आसान है, कोई भी पता लगा सकता है कि ब्लड में इंसुलिन कितना है। जैसे लेबोरेटरी में आप सैंपल देते हैं ब्लड का फास्टिंग शुगर नापने के लिए, सेम ब्लड के सैंपल में फास्टिंग इंसुलिन का लेवल भी नापा जा सकता है। और इसके बारे में एक वीडियो है जो आप डायबिटीज की ये वाली वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में बताता हूँ कि जब आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराएंगे तो आपको उसकी एक रिपोर्ट मिलेगी, और उस रिपोर्ट में जो नॉर्मल वैल्यू दिखाई जाती है वो 2.5 से 25 यूनिट्स दिखाई जाती है। लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में फास्टिंग इंसुलिन का लेवल 10 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन है। वैसे तो जो फिगर दिख रही है इसके हिसाब से तो 20 यूनिट इंसुलिन भी हो तो भी नॉर्मल रेंज में है, लेकिन नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में 10 से ज़्यादा इंसुलिन है सुबह फास्टिंग में तो ये सही नहीं है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर मान लीजिए बॉडी में 10 की बजाय 11 यूनिट इंसुलिन है और ब्लड शुगर 85 है, समझ लीजिए वो नॉर्मल रेंज में ही है, तो आप इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए इसमें काफ़ी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो ये नॉर्मल वैल्यू नहीं हो सकती। तो काफ़ी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल फास्टिंग में 10 से नीचे रहेगा तो आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, आप ये डाइट से कैसे कर सकते हैं, किस टाइप का फूड खाएं? तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है तो आपके ब्लड में ज़्यादा शुगर जाता है और उसके लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर दें तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इंसुलिन का लेवल जो है रिड्यूस होने लगेगा। तो अगर आप ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल का प्रोग्राम या ब्लड प्रेशर को उसके साथ में मेंटेन करने का प्रोग्राम, तो डायबिटीज़ आपकी हेल्प कर सकता है। अमेज़ॉन पे आपको ये डायबिटीज़ की किट मिलेगी जिसमें 3 चीज़ें हैं जो 999 रुपीज़ में आपको मिल जाती हैं और ये आपकी मदद कर सकता है। कैसे? डायबिटीज़ का जो ये चार्ट है इसमें 200 से ज़्यादा फूड आइटम्स दिए हुए हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड लिखा हुआ है, तो आपको वो फूड चूज़ करने हैं जो ग्रीन में है जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो इससे आपको मदद मिलेगी। दूसरा, डायबिटीज़ का जो आटा है उसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, जो गेहूं का आटा है या मल्टीग्रेन आटा है उनका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, और डायबिटीज़ के आटे का ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, उसमें आपको मदद मिलेगी। और डायबिटीज़ की ब्रेकफास्ट बार ये आपके लिए स्नैक्स का ऑप्शन है कि जब भी आपको भूख लगे तो मैदे के बिस्किट वगैरह खाने के बजाय अगर आप डायबिटीज़ की ब्रेकफास्ट बार खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, ये आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप अपनी चाय के लिए या घर में मिठाई बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायबिटीज़ शुगर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है और इसमें माल्टोडेक्सट्रिन या डेक्सट्रोज नहीं मिला हुआ है।
तो आपने देखा कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जो कॉमन कनेक्शन है वो है हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होना, हमारे ब्लड में इंसुलिन का ज़्यादा होना। ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन जो होता है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करें और डायबेक्सी की तरफ से जो मदद आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। डायबेक्सी के दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें और जो भी आप जानना चाहते हैं मेडिकल डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों की कंसल्टेशन आपको फ्री में मिलेगी। अभी हमने देखा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन है। ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़ की सीरीज़ है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये ज़्यादातर कॉमनली लोगों में पाई जाती हैं और हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी कॉमन होती है। अगर आप हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी डायबिटीज़ को भगाएं, फिर जिस आदमी को आप जानते हैं उसकी डायबिटीज़ को भगाएं। एक एक करके अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाएंगे, तो देखिए थोड़े ही दिनों में हम डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना नॉलेज और बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा।